बाजीराव सिंघम बन फिर लौटेंगे अजय देवगन। बॉक्स ऑफिस पर मचाए गए धमाल। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस बीच अजय देवगन ने भोला के बाद अपनी एक और नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। अब उनकी हिट फिल्म सिंघम के तीसरे पार्ट आने वाला है। फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी है। अजय देवगन ने पिछली बार रोहित शेट्टी के साथ फिल्म सूर्यवंशी में काम किया था, जो साल 2021 में रिलीज हुई थी। इसमें अजय देवगन सिंघम के किरदार में नजर आए थे। फिल्म में उन्हें बहुत कम स्पेस मिला था, लेकिन वह अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने में कामयाब हुए। सूर्यवंशी में अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ और रणवीर सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बता दें कि अजय देवगन की फिल्म भोला 30 मार्च 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सिंघम अगेन आतंकवाद पर आधारित है, जिसमें हीरो आतंकवादी संगठनों को पकड़ने के लिए पाकिस्तान जाता है। सतह न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।